हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीनाक्षी सोनी आप सबके साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं डाइवोर्स ले अगर कोई पति या पत्नी डाइवोर्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसी से संबंधित कुछ विषयों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो डाइवोर्स लेने से पहले पति हो या पत्नी उन दोनों को बहुत अच्छे से सोच लेनी चाहिए तो फ्रेंड्स अपन आज के समय में अगर बात करें कि शादी शादी के बाद में पति हो या पति हो दोनों में आ, कोई कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है या दूसरों का इंटरफ्रेंस कह सकते हैं अपन उनको या फिर आपस में ही कोई डिस्प्यूट है किसी बात को लेकर ईगो एटीट्यूड प्राउड बहुत सारी चीज़ें एक ऐसे एक, एक्सक्यूज़ बन जाते हैं कि वो बात जो उनका शादी का जो रिश्ता है वो तलाक तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लेता है और आजकल देखने को ख़ासा मिलता है कि शादी तो एक मजाक बन गया है एक आ, मतलब एक गेम की तरह कह सकते हैं इसको अपन तो इसमें तलाक़ का जो ये तलाक लेना एक ट्रेंड है आज के टाइम में देखा जाए तो यानी कि किसी को कोई सो, कोई व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि जो कभी एक अपने पुराने समय की बात की जाए तो उस समय में ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे जिनकी शादियां मतलब उनके मरने के उपरांत तक चलती थी डाइवोर्स की जो रेशो अपन देखें अगर इतिहास में उठा करके तो पहले इतने डाइवोर्स नहीं होते थे जितने आज के समय में देखने को मिलते हैं तो यानी कह सकते हैं हम कि डाइवोर्स एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है और लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं ना अपने परिवार की तरफ ना बच्चों की तरफ ना सोसाइटी की तरफ और ना किसी और चीज़ की तरफ अगर इंसान ने सोच लिया नहीं इसने मेरे से ऐसे कह दिया तो फाइनली बात आ जाती है डाइवोर्स तक नहीं मुझे डाइवोर्स चाहिए ये चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो तो इसी तरीके के कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग मेरी कुछ विचार हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं अगर कोई भी पति या पत्नी अगर डाइवोर्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो उनसे मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर देखें मे भी हो सकता है उनका जो लाइफ है वो सेफ हो जाए यानी उनकी लाइफ टूट इनका जो परिवार है वो टूटने से बच जाए तो एक इसी प्रयास के साथ मैं कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप तलाक लेने के लिए सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स पर विशेष तौर पर ध्यान दें जैसे कि एक तो ये होता है कि अगर हस्बैंड है चाहे वाइफ है अगर उन्होंने सोचा है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं या उनका कोई अफेयर है अगर वो इस तरीके से सोच रहे हैं तो फाइनली वो डिसाइड कर लें कि प्री ही कि वो जिस पार्टी जिस लड़की के लिए जिस लड़के के लिए अपनी जो बसी बसाई ज़िंदगी है उसको छोड़ रहे हैं तो फ़र्स्ट उससे क्लियर कर लें कि वो उनका सपोर्ट करें या नहीं करें अगर वो ऐसा ना हो कि यहाँ तो इन्होंने अपनी पत्नी को या पति को छोड़ दिया और वहाँ पर आगे जा कर के वो भी उनको सपोर्ट ना करें तो फर्स्ट बी श्योर कि आप डाइवोर्स लेने में आ, इनसे डाइवोस लेने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आप दूसरी शादी इजी गोइंग कर सकते हैं फ़र्स्ट ये है कि अगर दूसरी शादी करने का मानस है तो क्योंकि उसमें आपका ना तो समय बर्बाद होगा और ना ही पैसा बर्बाद होगा क्योंकि अगर आप इंश्योर हो इस चीज़ को लेकर के कि आपको दूसरी शादी करनी ही करनी है तो तो कोई इश्यू ही नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तक आप थोड़ी डगमगाए हुए से हैं कि आपको दूसरी शादी तो करनी नहीं है बट मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए तो इसमें क्या है आपका पैसा बर्बाद होता है उसके अतिरिक्त आपका समय बर्बाद होता है फिर एक सोसाइटी में एक इमेज जो बनी होती है हो, वो भी ख़राब होती है आपकी सेकंड थिंग ये है कि अगर आप डाइवोर्स लेने के लिए इंश्योर हो कि आपको डाइवोर्स लेना ही है तो इस चीज़ पे भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी पॉकेट बजट क्या कहता है अगर आप जैसे म्यूचुअली डाइवोर्स के लिए लेते हो तो तो कोई इशू ही नहीं है उसमें एक फिक्स अमाउंट जो होता है आपको अपनी पत्नी को जो देना होता है लेकिन अगर आप कॉन्सेंट डाइवोर्स की बात करें जहाँ पर एक पार्टी जो है फोर्स करती है कि नहीं मुझे डाइवोर्स चाहिए और सेकंड पार्टी अग्री नहीं है डाइवोर्स देने के लिए तो वहाँ पर यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको एक तो आपका समय की इतनी बर्बादी होती है कि आपको जानकारी होती नहीं है कि एक्चुअल टाइम कितना लगेगा आपके डाइवोर्स में कोई आपसे अधूरी जानकारी दे देता आप किसी से राय लेने के लिए जाते हो एडवाइस लेते हो आप किसी से तो वहाँ आपसे कोई कह देता है कि नहीं दो महीने में हो जाएगा कोई कहता है तीन महीने में हो जाएगा कोई कहता है तीन साल में भी नहीं हो तो इस चीज़ को पहले आप सुनिश्चित कर लें कि एक्चुअलिटी में टाइम लगेगा कितना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकाली होता है तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखें एक अपने टाइम की जो पंक्चुअलिटी है टाइम जो की जो बर्बादी है वो आप अपने होने से रोक सकते हो सेकंड थिंग एक बजट वाली बात आ जाती है कॉन्सेंट डाइवोर्स में कोई क्लियर नहीं होता कि अमाउंट क्या है जित अगर आपकी जेब अफोर्ड करती है यानी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है कि आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो तो आप आराम से डाइवोर्स ले सकते हैं अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियली यहाँ से थोड़ा सा घाटा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है तो आप वहाँ उस चीज़ को रोक सकते हो थर्ड पॉइंट पर अगर अपन बात करें मैंटेनेंस के ऊपर तो जैसे आपका केस चल रहा है इनके इन फ्यूचर डाइवोर्स तक स्थिति पहुंचती तो उससे पहले आप ये सोच सकते हो कि मंथली आप इनको पे कर रहे हो अपनी बीवी के लिए पे करते हो आप तो उस जो आप मंथली वहाँ पे कर रहे हो तो उस अमाउंट से आप अपनी गृहस्थी आराम से चला सकते हो वो अगर आप अपनी बीवी को अपने साथ रखते हो अपनी पत्नी को साथ रखते हो आप तो वो अमाउंट आपको उनको वहाँ नहीं देना पड़ेगा वो अमाउंट आप मिल के अपनी फैमिली में फैमिली के लिए जो है उसको यूज़ में ले सकते हो फिर इसके अतिरिक्त हम बात करें बच्चों की चिल्ड्रंस किसी के बच्चे भी होते हैं अगर उनकी कस्टडी की बात आती है या उनके फ्यूचर की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें अपन को ऐसी देखने को मिल जाती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप सेपरेट हो गए तो बड़े जब बच्चे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनसे ये सुनने को मिलता है कोई उनसे एक कमेंट पास करता है अरे तुम्हारी मम्मी तो डाइवोर्स ही है तुम्हारे पापा तो डाइवोर्स ही थे एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ ऐसी तो बच्चों की मैंटिलिटी भी वहाँ पर चेंज होती है तो एटलीस्ट आप अपने फ्यूचर को ना देखें कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो सोचें इसके अलावा फिर अपनी सोसाइटी यानी कि हर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा होती है हो सकता है किसी की नहीं हो लेकिन जिसकी होती है वो तो सोचता है अगर किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा होती है और आप डाइवोर्स जैसी स्टेप लेते हो डाइवोर्स के लिए तो वहाँ पर समाज में भी आपको एक थोड़ा सा अलग नज़रों से देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से या प इस महिला ने अपने पति से डाइवोर्स लिया है तो उसको थोड़ा सा समाज में भी गिल्टनेस फील होती है एक अच्छी नज़रों से कह सकते हैं आप उसको नहीं देखने आ, देखा जाता तो मेरे हिसाब से आपको है ना डाइवोर्स लेने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि क्या हमें इतना बड़ा स्टेप जो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आप इसको इतना इजी गोइंग इतना जल्दबाजी में कैसे ले सकते हो तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा इस पर जोर डाल के देखें फिर अगर सपोज करो कि आप या किसी से एडवाइस लेते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुने एडवाइस लेते समय भी कि वो आपको सटीक जानकारी दे सके ऐसा नहीं है कि अधूरा ज्ञान लेकर के और आपको भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी से सजेशन लिया और उन्होंने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा वो इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको या ये अमाउंट नहीं देना पड़ेगा या इतना समय नहीं लगेगा तो उस चीज़ को थोड़ा सा नेगलेक्ट करें और एक किसी ऐसे व्यक्ति से आप कंसल्ट करें इस चीज़ के बारे में कि वो आपको सटीक जानकारी दे सके एक आपको जो एक्चुअल नॉलेज होती है हो उस चीज़ के लिए वो आपको क्लियर कर सके उसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी डाइवोर्स तक आप जब आप माइनस बना रहे हैं अपना अपना प्लान कर रहे हो तो वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा माइंड का जो सेटअप बनाए माइंड को भी थोड़ा सा प्री प्लान करें कि ऐसा करने से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स पर आप थोड़ा सा चर्च अपने माइंड से सोचें उसको ना कि किसी और की सोच के अकॉर्डिंग अगर आपकी लाइफ में किसी और का इंटरफेयर है तो उस इंटरफेयर को ख़त्म करें और पर्सनली हस्बैंड और वाइफ इंडिविजुअली दोनों ही बातें करें तो हो सकता है कि आपकी जो गृहस्थी टूटने को जा रही है यानी आपका परिवार जो टूटने को जा रहा है तो हो सकता है कि इस सोच के माध्यम से आप वापस से एक हो सकें और स्थिति डाइवोर्स तक नहीं पहुँचे तो फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो थी उन पति या उन पत्नियों के लिए थी जो डाइवोर्स लेने के लिए सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आज एक मेरी मोटिवेशनल जो वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है तो मेरी वीडियो के माध्यम से मे भी किसी की फैमिली टूटने से बच जाए और किसी आ, बच्चों की जो फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं तक सेफ़ होता है तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी एक नई नई जानकारियों के साथ में सो थैंक यू